विजयदशमी यानी दशहरा का पर्व हरिद्वार में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार की भील क्षेत्र सेक्टर 4 में रामलीला कमेटी की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 60 फुट का रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। रावण के पुतले को भगवान राम के चरित्र का किरदार निभा रहे अभिनेत्र के द्वारा दहन किया जाएगा, जिसको देखने लाखों की संख्या में दर्शक यहाँ आते हैं। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। देखो ये तो सच्चाई है कि हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए हर वर्ष इस रावण के पुतले को जलाया जाता है, और ये एक दर्शाता भी है कि अगर अगर ये धारणाएं अगर हर आदमी अपने मन में रख ले तो हम जितने भी हमारे अंदर बुराई है वो दूर हो सकती है। और जैसे ये आप जान ही रहे हैं कि रावण के पुतले को खड़ा करना 60 फुट का हमारा रावण बनता है, 60 फुट के साथ साथ इसके साथ हमारे 2.5-3 लाख आदमी के हमारी यहाँ की गैदरिंग रहती है, संख्या रहती है, और सबसे बड़ी बात है प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहता है, तो हमें हर तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। आप देख भी रहे होंगे हमारे लड़के कैसे काम कर रहे हैं, ये पूरे 18 दिन की मेहनत है जो आज ये पूरा लगे हुए हैं। नॉर्मली 28 से 30 हज़ार का खर्चा आता है, आतिशबाजी लगा कि वो 40-50 हज़ार रुपये तक का खर्चा, वो जनता हमारी साथ सहयोग करती है, कोई 100 का 10 रुपये मतलब उसके सहयोग से हमारा ये काम